क्या दे देता है, भस्मासुर को सोने का कंगन दे देता है, एक भिखारी को, एक चोर को कुबेर बना देता है, तो वो किसी दुकान पर जाकर कचौड़ी मांगकर खाएगा? जरा विचार करिए, अपनी सोच को सुधारिए, अपने विचार को सुधारिए, अपनी दृष्टि को सुधारिए। हमारे सनातन धर्म के देवताओं को, हमारे संत, हमारे ब्राह्मण, हमारे साधुजन, हमारे गुरुजन, हमारे मठ, हमारे मंदिर, जो हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाले हैं, उनको सोशल मीडिया के माध्यम से गलत तरीके से पेश किया जाता है, जिससे सनातन धर्म के व्यक्ति को भी इनकी उस अनुभव में आए और बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे कहें, देखो ये संत ऐसे हैं, देखो ये भगवान ऐसे हैं, देखो ये देवता ऐसे हैं। जिस शिवलिंग का निर्माण आप करते हो, जिस शिवलिंग की तुम पूजन करते हो, कई लोग तो सावन का महीना चालू होने से पहले इसका भी विरोध करना चालू कर देते हैं, तो ये तो शिवलिंग है, ये तो ये है, ये तो जल चढ़ा रहे हो, ये तो दूध चढ़ा रहे हो, ये तो स्मरण कर रहे हो, इतने बैठे हो। जितने दतिया में यहाँ कथा श्रवण करने वाले बैठे हैं, झांसी, ग्वालियर, आगरा, जहां जहां से तुम कथा सुनने के लिए आए हो, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, अंदाजा लगाना, स्मरण करना कि शंकर भगवान को जब से तुमने जल चढ़ाना प्रारंभ करा, उस दिन से आज तक तुम पीछे कदम नहीं लिए हो, बाबा की कृपा से आगे बढ़ते चले गए हो। यह शिव तत्व है, यह उग्र